हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आई एम स्वाति और मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के पास मीठी ड्रेसेस लेके। कॉटन की ड्रेसेस है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट ड्रेसेस है। चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट रेगुलर नोटिफिकेशंस। सो गाइज, सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही कूल सी ड्रेस दिखाती हूँ जो कि है ये। दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड हनोई और ये बहुत ही ज़्यादा कूल सी ड्रेस है। लुक एट इट्स फ्लेयर, कितनी ज़्यादा प्यारा सा फ्लेयर है इसका। और इसका जो फैब्रिक है दैट इज़ प्योर कॉटन सा। इसमें मैंने मीडियम ऑर्डर किया है। बहुत ही लूज़ फिट ड्रेस है ये, तो पहनने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रही है। कभी कभी लूज़ फिट ड्रेसेस बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लगती है, मतलब फिटेड ड्रेसेस से। तो इसी टाइप की ड्रेस है। और जैसे आजकल का सीज़न बहुत ह्यूमिडिटी वाला है, तो उस टाइप के सीज़न में ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लगने वाली है। मिडी लेंथ है इसकी, साइज मीडियम ऑर्डर किया है, प्योर कॉटन का फैब्रिक है। तो ये ड्रेस है, पहनने के बाद इसका लुक कुछ ऐसे आ रहा है। एंड गाइस, इसको मैंने स्टाइल किया है म्यूल्स एंड एक हैंडबैग के साथ। ये दोनों हैंडबैग एंड म्यूल्स ज़ूक ब्रांड के हैं। एंड गाइस, ज़ूक जो है वो इस टाइप के हैंडबैग्स एंड वहाँ पे आपको फुटवेयर्स मिल जाएंगे, एक्सेसरीज मिल जाएंगी, क्लचेस, बैग्स, मतलब दे हैव लाइक वाइड वैरायटी ऑफ हैंडबैग्स एंड फुटवेयर्स। मतलब मैंने जब उनका कलेक्शन देखा है वो सो इम्प्रेस्ड। तो ये जो हैंडबैग है ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज़ फॉक्स लेदर, मतलब ये वीगन लेदर है। इसमें कोई भी एनिमल्स को हार्म नहीं किया गया इस हैंडबैग को बनाने के लिए। और दिस ब्रांड इज़ मेड इन इंडिया, लाइक इट्स प्राउडली इंडियन ब्रांड। तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है कलेक्शन। आप देखोगे ना एकदम, तो उसमें आपको इंडियन की झलक दिखेगी। मतलब इस टाइप के प्रिंट्स हैं, फैब्रिक्स हैं उनके पास, जिससे बैग बना हुआ है। बहुत ही अच्छा स्मार्ट से स्टाइलिश बैग है। तो इसमें फ्रंट में आपको कुछ इस टाइप से डिज़ाइन मिल जाएगा और बैग में चैन है और स्पेशियस है बहुत ज़्यादा ये बैग लुक। तो अंदर इसमें और भी कंपार्टमेंट दे रखे हैं और ज़ूक ब्रांड है ये गाइस। और ये जो आपको लेदर दिख रहा है, दिस इज़ फॉक्स लेदर, मतलब ये वीगन लेदर है और एनिमल्स को हार्म नहीं किया गया है। ये हैंड क्राफ्टेड बैग है। एंड सिमिलरली गाइस, ये जो म्यूल्स है बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगे मुझे। ये इस टाइप के म्यूल्स हैं कि आप इसको एथनिक वेयर के साथ वेयर करोगे तो भी अच्छा लगेगा, और अगर आप ऑफिस वगैरह में इसको पैंट्स एंड फॉर्मल्स के साथ कैरी करोगे तो भी ये बहुत अच्छे लगने वाले हैं। वर्सटाइल पीस है ये म्यूल्स का। और ये भी इसमें आपको, अगर ये लेदर जैसा दिख रहा है, सो दिस इज़ वीगन लेदर, हैंड क्राफ्टेड है। और ऊपर जो आपको फैब्रिक दिख रहा है, दिस इज़ लाइक जूट का फैब्रिक है। तो इसमें मल्टीपल कलर डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगे। सोल इज़ वेरी सॉफ्ट, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, आपको कोई भी अनकंफर्टेबल ये फील ही नहीं होगा पहनने के बाद। इट्स वेरी नाइस। तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। एंड गाइस, अगर आप ये प्रोडक्ट्स बाय करना चाहते हो तो नॉट फॉरगेट टू यूज़ माई कूपन कोड YTSWATII10। और इससे आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा ज़ूक की वेबसाइट पे। तो डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ दिस कूपन कोड। तो ये था स्टाइलिंग ऑफ दिस ड्रेस। तो इस वीडियो में ना मैंने स्टाइलिंग भी इंक्लूड किया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट ड्रेस की ओर, जो कि है ये वाली। सो दिस इज़ रेड मरून ड्रेस आई वुड से, या तो ना कुर्ती टाइप है। अगर आप उसको एज अ ड्रेस पहनना चाहते हो तो ड्रेस भी वेयर कर सकते हो, और एज अ कुर्ती वेयर करना चाहते हो तो कुर्ती भी वेयर कर सकते हो। इसका फैब्रिक भी प्योर कॉटन है, इसमें फ्लेयर्स दे रखे हैं। और नेक का ना बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन है इसका, योक पोर्शन का बटन से और कुछ इस टाइप से वी शेप का डिज़ाइन है। देखिए बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है। स्लीव्स भी इसकी स्टाइलिश सी स्लीव्स हैं, ऐसे बेल्ट शेप की स्लीव्स हैं। तो दीज आर द स्लीव्स। और ये भी पहनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट एक इसमें थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा ये लूज़ फिटेड है मुझे, क्योंकि मैंने इसमें एक साइज़ गलती से बड़ा मंगा लिया, लार्ज मंगा लिया मैंने इसमें। बट या ये इट्स ट्रू टू इट्स साइज़। तो अगर आपको मीडियम आता है तो आप मीडियम ही मंगाना। तो गर्मियों में पहनने के लिए ये भी काफ़ी अच्छी कुर्ती है या ड्रेस, आप इसको एज ए ड्रेस भी वेयर कर सकते हो। तो मैंने इसको एज ए ड्रेस पहना है तो काफ़ी अच्छी लग रही है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कुर्ते की ओर, जो कि मेरी फेवरेट है। दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड वेरोमोडा। बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट सी ड्रेस है ये, जैसे ए शेप की ड्रेस है ये। आपको उसका फ्लेयर मिल जाएगा और साइड में जिप है, प्लेन है ये। इट्स लाइक कॉटन का फैब्रिक, थोड़ा थिक कॉटन होता है वो है ये, और प्लेन है, साइड में जिप है। बहुत अच्छी फिटिंग आई है, वी नेक है इसका, और इसका इस टाइप से बेल्ट टाइप स्लीव्स हैं। बहुत अच्छी लग रही है, बहुत स्मार्ट भी लग रही है। तो मैंने इसको उसी ज़ूक बैग के साथ पेयर अप किया है,
और मैं उसके साथ पहना है तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था मुझे तो इसी बैग के साथ मैंने इसको पेयर अप किया है, इन्हीं म्यूज़ के साथ पेयर अप किया है। इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइज़ ये ड्रेस ऐसी है, इसको आप कहीं फॉर्मली अगर आप वेयर करना चाहते हो ऑफिस वगैरह में तो भी आप इसको वेयर कर सकते हो। मैंने सेकेंड लुक के लिए ना इसको एक बेल्ट के साथ और एक दूसरे हैंडबैग के साथ इसको स्टाइल अप किया है, तो भी ये ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है बेल्ट के साथ भी, क्योंकि प्लेन फैब्रिक है तो वो मोनोक्रोमेटिक लुक को ब्रेक करने के लिए बेल्ट का यूज़ किया है तो बहुत अच्छी लग रही है। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट ड्रेस की ओर, वो भी बहुत अच्छी है। तो दिस इज़ लाइक ब्लैक एंड वाइट ड्रेस गाइस, एंड ये सारी ड्रेसेस ना मैंने आजियो से परचेज़ की हैं, बहुत रीजनेबल पड़ी है मुझे। सबका प्राइस आई थिंक 1000 के अंडर ही है। आपको जो एग्जैक्ट प्राइस है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पे मिल जाएगा और मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी। तो ये ड्रेस है फ्रॉम फायर रोज ब्रांड, साइज मैंने मीडियम ऑर्डर किया है, परफेक्ट आया है फिटिंग। थोड़ी सी यहाँ पे मुझे इलास्टिक थोड़ी सी टाइट लग रही है बट अदरवाइज पहनने में कोई इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट ड्रेस है और थिक कॉटन है। फ्रंट में ओपनेबल है, कॉलर्ड नेक है इसका। तो ये ड्रेस इसके साथ ना एक बेल्ट भी आई है, तो इसके साथ ही ये बेल्ट भी आई है तो आप इसको भी टाई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा स्मार्ट लुक दे रही है। मिडी लेंथ है इसका, तो कॉटन मिक्स टाइप फैब्रिक है इसका थिक वाला, तो इसको आप वेयर कर सकते हो, इवन ऑफिसेस में भी ये अच्छी लगेगी। और गाइस अभी तक की जो भी ड्रेसेस दिखाई हैं उसमें कोई भी लाइनिंग नहीं लगी हुई है, सारी ड्रेसेस विदाउट लाइनिंग है। लास्ट में मैं आपको दिखाती हूँ इंडी बेल ब्रांड से एक ड्रेस, वो है ये वाली। एंड गाइस आई थिंक दिस इज़ फ्रॉम मिंत्रा, फ्रंट ओपन ड्रेस है, यहाँ पे इलास्टिक दे रखी है, बहुत अच्छी फिटिंग आई है, घर में पहनने के लिए ड्रेस में कोई बुराई नहीं है। और साइड में इसमें जिप पॉकेट भी दे रखी है, वन साइड इसमें पॉकेट्स भी हैं। तो ये ड्रेस भी बहुत अच्छी, प्योर कॉटन का फैब्रिक है, मतलब पहनने के बाद इतना लाइट फील हो रहा था बिकॉज जो फैब्रिक है दैट इज़ नॉट वेरी थिक और बहुत थिन भी नहीं है, तो घर में भी आप इसको एक दो बार बाहर पहनो और फिर घर में भी निकाल सकते हो, तो बहुत ज़्यादा ये भी अच्छी ड्रेस। और कलर देखो उसका कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। साइज़ मैंने इसमें लार्ज ऑर्डर किया है, थोड़ा सा लूज़ है बट या मुझे थोड़ी सी लूज़ फिटेड कपड़े चाहिए अब, तो इस वजह से मैंने लार्ज साइज़ ऑर्डर किया है गाइस इसका। तो ये ड्रेस भी पहनने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, इसको मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी, आप इसको ले सकते हो। और इन सब ड्रेसेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। एंड गाइस मैं आपको फिर से बता दूँ, ये जो बैग है दिस इज़ वेरी नाइस एंड स्मार्ट बैग, ज़ूक ब्रांड का बैग है और ज़ूक जो है वीगन लेदर को यूज़ करके ये बैग को बनाता है, हैंडक्राफ्टेड बैग है, प्राउडली मेड इन इंडिया, और बहुत ज़्यादा अच्छे से इनके पास डिज़ाइंस और यू नो प्रिंट्स अवेलेबल हैं। और बैग की वैरायटी आप देखोगे तो ऑफिस वाले बैग हैं, आप उनको ऑफिस में ले जा सकते हो, लैपटॉप उसमें रख सकते हो, और हैंडबैग्स हैं, क्लचेस हैं और फुटवेयर्स हैं, लाइक सी हाउ स्मार्ट। इवन ये एक तो म्यूल बहुत अच्छी लगी, इवन उनके पास बहुत ज़्यादा सैंडल्स बहुत अच्छी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगे। तो आप उनकी वेबसाइट को चेकआउट करना मत भूलना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ माई कूपन कोड YTSWATII10 टू अवेल एक्स्ट्रा 10% ऑफ डिस्काउंट ऑन द ज़ूक प्रोडक्ट्स। तो गाइस ये सब कलेक्शन था आज की वीडियो में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोगों का कलेक्शन कैसा लगा। अच्छा लगा है देन गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, आल्सो द नेक्स्ट वन वेरी सून, टिल देन बाय बाय।